हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम परीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो हो वो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉलिसीज़ क्या थी ब्रिटिश रूल की, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड पीपल्स की क्या धारणा थी, या पीपल उन पॉलिसीज़ को किस तरह के तरीके से ले रहे थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। नवाब्स ने अपनी पावर जो थी वो किस तरीके से खो दी। पीजेंट्स और सिपाहीज के बीच में किस तरह का रिलेशन था। रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थी वो कुछ इंडियंस के द्वारा लाएगी, कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा लाएगी, तो उन रिफॉर्म मूवमेंट्स का या उन रिफॉर्म्स का क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों के थ्रू, वो हमने पढ़ा। आज जो है वो हम देखेंगे थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, लोगों के नज़रिए, लोग जो थे वो किस तरीके से ले रहे थे ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन हुई, लोग उसके उस कंडीशन को, उन सिचुएशंस को किस तरीके से देख रहे थे या किस तरीके से ले रहे थे। यहाँ पे ये बोला, और इन्होंने बोला है आपको दो सोर्सेज दिए हैं, सोर्स वन एंड सोर्स टू। इन सोर्सेज के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि लोग उन चीज़ों को, जो भी चीज़ें ब्रिटिश रूल के टाइम पर हो रही थी, उस टाइम पीरियड की जो सोच थी लोगों की वो किस तरह के से थी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है सिपाहीज एक्सचेंज न्यूज़ एंड र्यूमर्स इन द बाज़ार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के बाज़ार में ये सिपाहीज जो हैं, सिपाही जो हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, न्यूज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, और र्यूमर्स जो हैं, अफवाहें जो हैं, वो जो भी फैली हुई थी उनके बारे में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बोला है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। 84 की एक लिस्ट बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो क्या थी वो हम अभी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला है गिवन हियर आर एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक माजा परवाज रिटन बाई भिष्णु वट गोड से अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, एक पार्ट बुक जो है वो महाजा परवास, ये एक बुक थी, इस बुक का कुछ पार्ट लिया गया है, जिसको विष्णु भाटा गोडसे ने ये बुक लिखी थी, उस बुक में से कुछ पार्ट लिया गया है। ठीक है, उसके बारे में बताया है, उस पार्ट में क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये बुक जो है वो किसने लिखी है, विष्णु भाट गोडसे ने। विष्णु भाट गोडसे जो थे वो एक ब्राह्मण थे, जो कि महाराष्ट्र के विलेज से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, या उनका बर्थ जो था वो महाराष्ट्र के एक गाँव में हुआ था। विष्णु भाट जो थे वो अपने अंकल के साथ जो है वो एक यज्ञ जो है, ठीक है, उसको अटेंड करने जा रहे होते हैं, जो कि मथुरा में ऑर्गेनाइज किया होता है। विष्णु भट जो है वो ये लिखते हैं कि वो और उनके अंकल जो है वो कुछ सिपाहीज से रास्ते में मिलते हैं, और सिपाहीज उनको बोलते हैं कि भाई आप आगे की जर्नी जो है वो मत करें, बिकॉज एक मैसिव अपहीवल, यानी कि एक रिवॉल्ट होने वाला है, जो मतलब 3-4 दिनों के अंदर जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि शुरू हो जाएगा वो रिवॉल्ट जो है, वही जो आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो उसके बारे में वो बात कर रहे थे। द सिपॉय सेड, सिपॉयज क्या बोलते हैं कि जो इंग्लिश थे ना, उन्होंने क्या किया है, हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजन्स को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कर दी है। उन्होंने 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है, और उसमें क्या है, उन्होंने एक गैदरिंग करेंगे एक बड़े बड़े राजाओं के साथ, कलकत्ता के प्रिंस के साथ वो उनके साथ मिलेंगे, और उन मिलने के बाद वो वहाँ पर उन 84 रूल्स की जो लिस्ट उन्होंने बनाई होगी उनको वहाँ पर अनाउंस करेंगे। देन वो सिपाहीज जो है वो ये कहते हैं दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। उन्होंने ये बोला कि वो जो सिपाहीज थे, उन्होंने बोला कि जो किंग थे, जो राजा थे, जो महाराजा थे, वो क्या, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उन रूल्स को नहीं मानेंगे, एंड वॉन्ट द इंग्लिश, और उन्होंने इंग्लिश को चेतावनी दी कि अगर वो इस तरह का कुछ काम करेंगे तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों को फेस करना पड़ेगा, और एक रिवॉल्ट जो है वो देखने को उनको मिल सकता है, कि इनको इंग्लिश को, ठीक है। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर। और ये अनाउंसमेंट के बाद, जब ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंसमेंट की, इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद, पहले तो किंग्स ने अपना सुझाव दिया, उन्होंने बोला कि भाई आप इस तरह के रूल जो है वो इंप्लीमेंट मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत नुकसान फेस करना पड़ेगा, और वहां से वो इस तरह से बोलकर वो गुस्से में अपनी अपनी कैपिटल्स की तरफ जो थे वो चल पड़े। जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन्होंने ये प्लान करना शुरू कर दिया, एक डेट जो थी वो फिक्स करेगी फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन, रिलीजन के वॉर के लिए, ठीक है, धर्म के लिए जो युद्ध किया गया था उसके लिए एक डेट फिक्स करेगी, और कुछ सीक्रेट प्लान जो थे वो सर्कुलेट होने लगे कि जो कैंटोनमेंट है मेरठ का, कैंटोनमेंट का मतलब होता है एक मिलिट्री कैंप बोल सकते हो, ठीक है, मिलिट्री कैंप जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे देखने को मिलता था। तो सीक्रेट प्लान जो थे वो सर्कुलेट होने लगे मेरठ के कैंटोनमेंट से लेके, लेटर्स जो थे वो डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में भेजे गए कि भाई एक वॉर जो है वो अब शुरू होने वाला है, और वो वॉर जो था वो कौन सा वॉर था, वॉर ऑफ रिलीजन। तो इस तरह से जो आप बोल सकते हैं मेरठ के अंदर जो है वो लोगों ने उस रिवॉल्ट को इस तरीके से लिया। सेकेंड सोर्स आपके पास आ जाता है देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। रेजिमेंट का मतलब होता है आप बोल सकते हैं बटालियन, ठीक है, आर्मीज़ के डिफरेंट डिफरेंट बटालियंस आपको देखने को मिलेगी, डोगरा रेजिमेंट, बहुत सारी रेजिमेंट जो होते हैं वो आपको देखने को मिलती हैं आर्मी सेक्टर के अंदर।
अनदर अकाउंट जो है, वैसे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट जो आप बोल सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ। मेमोयर्स जो है सूबेदार सीताराम पांडे के, ये उस समय की बात है, ये उस समय का सोर्स इन्होंने दिया। मेमोयर्स का मतलब होता है जीवन चरित्र, ठीक है, कोई अपने जीवन गाथा के बारे में, अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो यहाँ बता रहे थे। तो सूबेदार सीताराम पांडे जो थे उन्होंने अपने मेमोयर्स जो है वो यहाँ पर बताए हैं। सीताराम पांडे जो थे वो फौज में भर्ती हुए, रिक्रूट हुए 1812 में, और वो बंगाल नेटिव आर्मी के अंदर जो थे वो एज अ सिपाही काम कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश आर्मी को 48 ईयर्स तक जो था वो सर्व किया, और 1860 में वो क्या हो गए, रिटायर हो गए। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रेबिलियन दो हिज ऑन सन वॉज अ रिबल एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की ताकि वो उस रेबिलियन को, जो लोगों के द्वारा रेबिलियन शुरू किया गया था, विद्रोह शुरू किया गया था, उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की हेल्प की। इवन उनका अपना बेटा जो था सूबेदार सीताराम का, पांडे का जो अपना बेटा था, वो भी उस रिबेल में, उस विद्रोह में क्या था, पार्टिसिपेट किया हुआ था उसने, और उनके बेटे को ब्रिटिश आर्मी ने उनकी आंखों के सामने क्या किया, मार दिया, फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ की दिया। रिटायरमेंट के बाद उनको जो था, ही वॉज परस्यूडेड बाई हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरोगे टू राइट हिज मेमोयर्स। परस्यूडेड का मतलब होता है राजी होना, ठीक है। रिटायरमेंट में, जब उनकी रिटायरमेंट हुई, तो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर था सूबेदार सीताराम पांडे का, जो कमांडिंग ऑफिसर था नॉरोगेट, उनकी रजामंदी के साथ उन्होंने अपनी मेमोयर जो थी वो लिखी और उसको कंप्लीट किया 1861 में इन अवधि, ठीक है। उन्होंने अवधि में अपनी मेमोयर को लिखा और नॉरोगेट ने उसको अवधि से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको एक टाइटल दिया, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ठीक है। टाइटल देने के बाद उसको पब्लिश कर दिया गया। फिर उसका एक पार्ट जो है वो, जो फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार का एक पार्ट जो है वो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ ऑद फिल द माइंड्स ऑफ द सिपाहीज विद डिस्ट्रेस एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये अवध के अंदर जो भी मतलब सीन हुआ था, ये जो पीपल जो थे मेरिट के अंदर, इन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था अपने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट, तो इसी चीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसको आगे एक्सप्लेन क्या है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे बताई हुई है ना, कि एक कार्ट्रिज जो थे, कार्ट्रिज एक तरह की बंदूक होती है जिसका जो ऊपर का ओपनिंग होती है ना, जैसे कि आपकी ये बंदूक होगी, इसका जो ये ओपनिंग होता है ना, इसके ऊपर ना कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी, अब पता नहीं था कि नहीं था, कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है इसमें, इतना नहीं पता है। तो यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है, मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। कार्ट्रिज जो है वो क्या था, कारतूस बोल सकते हो आप, ठीक है। ये एक तरह की क्या होती है, राइफल होती है जिसके अंदर गन पाउडर जो है, एक्सप्लोडेड पाउडर, नॉट गन पाउडर, एक्सप्लोडेड पाउडर जो है वो डाला जाता है, और फिर जब भी मतलब अटैक वगैरह करना हो तो उसको क्या किया जाता है, वहाँ से मतलब पुश करके जो है वो अटैक किया जा सकता है। तो ये मानना था कि कुछ ऐसे कार्ट्रिज, ऐसे कारतूस जो है वो तैयार किए गए हैं जिसमें क्या है, वो जो कार्ट्रिज थे उसके ओपनिंग जो माउथ था ना, उसके ऊपर पिग और काओ का क्या है, कोटिंग हुई हुई है। तो आपको जैसे पता है काउ जो है वो हिंदूज़ के लिए वो है मानी जाती है, और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए मतलब उसको गलत मानते हैं। तो इन दोनों का जो था वो ये था कि इस कार्ट्रिज को मुंह से खोलकर जो है वो इसके अंदर पाउडर जो था वो भरा जाता था। तो ये लोगों के लिए, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनको ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपनी अपनी जगहों पे मतलब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से उनको देखते थे। तो उनका ये मानना था कि ये एक गलत चीज़ हो जाएगी अगर हम अपने मुँह से इसको खोलेंगे। तो इसको लेके भी बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत एंगर में थे, तो उन्होंने रिवॉल्ट करने का सोचा, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है, अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। म्यूटनी का मतलब क्या होता है, म्यूटनी का मतलब ही रेबिलियन होता है, ठीक है, विद्रोह होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया है, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। यहाँ पे म्यूटनी का मतलब बताया कि जब सोल्जर्स जो थे, सिपाही जो थे, जब वो ग्रुप के अंदर होते थे और वो अपने ऑफिसर आर्मी के अंदर जो उनका ऑफिसर होता था उसकी बात नहीं मानते थे, तो उसको म्यूटनी बोला जाता था। ऐसे म्यूटनी का मतलब अगर आप हिंदी में समझेंगे तो मतलब होता है उसका गदर बोल सकते हैं आप, या फिर आप बगावत बोल सकते हैं, तो ठीक है। कैसे ये म्यूटनी जो थी एक पॉपुलर रेबिलियन, विद्रोह जो है वो बन के सामने आया, ये जो बगावत थी किस तरह से एक रेबिलियन बन के जो है वो सामने आया। थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। जो रूलर्स और जो रूल्ड कर रहे थे, ब्रिटिशर जो रूल कर रहे थे और जो रूलर्स थे, जो किंग वगैरह थे, उनके बीच में जो स्ट्रगल्स थे वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे उस समय पे। समटाइम कुछ ऐसे स्ट्रगल जो थे वो मतलब उन्होंने इस तरह से अपना जो था बोल सकते हो फिर मतलब एक शेप ले ली, जो कि मतलब एक जिससे बहुत सारी स्टेट्स जो थी, स्टेट्स के अंदर जो राजा रूल कर रहे थे उनकी पावर जो थी उनका ब्रेकडाउन हो गया।
वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनमी एट द सेम टाइम. बहुत सारे लोग जो थे उनका ये मानना था कि ये उनका एक ही दुश्मन है, बहुत सारे लोगों का एक ही दुश्मन, और वो दुश्मन कौन था उनकी नज़र में? ब्रिटिशर्स. ठीक है, उनका ये मानना था कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि उनका एक ही कॉमन एनमी है, और उस कॉमन एनमी के अगेंस्ट सभी लोगों को एक टाइम पर क्या करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा. और ऐसी सिचुएशन जो थी क्या की थी, इस सिचुएशन से क्या हो रहा था, लोगों को ऑर्गेनाइज इकट्ठा किया जा रहा था, लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ इनिशिएटिव्स कदम से उठा रहे थे ताकि वो क्या कर सके, उस सिचुएशन को बदल सके. बदल सके यानी कि जो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर अत्याचार वगैरह कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, या फिर कोई किसी भी तरह के उनके ऊपर जो है वो अपना अपनी मतलब उनको सप्रेस कर रहे थे, उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे. और उसके लिए वो सारे जो थे वो आपस में क्या हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे. ऐसी सिचुएशन जो थी वो कहाँ ज़्यादातर डेवलप हुई, नदन पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857. जो नदन पार्ट्स है ना आपके इंडिया के, पंजाब हो गया आपका, उसके बाद हरियाणा हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे आपके स्टेट्स आ जाती हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में आती हैं. यहाँ पे जो आपकी स्टेट्स फॉल कर रही थी ना, इन स्टेट्स के अंदर जो था ये आपको रिवॉल्ट जो था इंडिया का, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इन स्टेट्स के अंदर जो है वो आपकी नदन पार्ट्स की स्टेट्स के अंदर देखने को मिला. आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ कंक्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रेबेलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1857 एंड थ्रेटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. क्या बोला हुआ है, 100 साल का जो कंक्वेस्ट चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी आपकी किसकी, ये जो आपकी इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको बहुत ज़्यादा रेबिलियन विद्रोह जो था वो देखने को मिला 1857 के अंदर. और इस चीज़ की वजह से जो कंपनी थी ना उसको बहुत ज़्यादा खतरा जो था वो फील होने लगा, किससे, इंडिया से. सिपाहीज जो थे उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेरिट के डिफरेंट पार्ट्स में जो था वो क्या कर दिया गया, पहले प्लेस किया गया, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बगावत करना शुरू कर दी. एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रेबेलियन, और बहुत ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उस विद्रोह के अंदर पार्टिसिपेट किया. सम रिकॉर्डेड एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कुछ का तो ये मानना था कि ये जो रिवॉल्ट रहा है ना आपका 1857 का, ये इतना बड़ा रिवॉल्ट रहा है कि इससे पहले और इसके बाद इतना बड़ा रिवॉल्ट जो है वो वर्ल्ड के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिला. ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम मेरिट टू दिल्ली. देखिए यहाँ क्या दिया है, ये एक आपको फिगर दी हुई है, फोर्थ फिगर, द बैटल इन द कैवलरी लाइंस. कैवलरी लाइंस का मतलब होता है जो लोग घोड़सवारी मतलब घोड़े पे बैठे हुए होते हैं, तो ये बैटल था जो कि कैवलरी लाइंस के बीच में हुआ. ऑन द इवनिंग ऑफ 3rd July 1857 अवर 3000 रिबल्स केम फ्रॉम बरेली. क्या है कि 3 July 1857 की शाम को 3000 जो रिबल्स थे, विद्रोही थे जो, वो बरेली से आए. उन्होंने जमुना रिवर को क्रॉस किया और दिल्ली के अंदर एंटर हुए, और उन्होंने ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. ये जो बैटल था ये पूरी रात वहाँ चलता रहा. देन उसके बाद ये एक पोस्टल स्टैम्प इशूड इन कमेमोरेशन ऑफ मंगल पांडे. ठीक है, एक स्टैम्प जो था, ये पोस्टल स्टैम्प जो था इसको इशू किया गया मंगल पांडे की यादगिरी में. अब फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली क्या बताया जा रहा है, ऑन 8 April 1857 एक यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर. 8 April 1857 में एक यंग सोल्जर जो था, जवान सिपाही जो था जिनका नाम था मंगल पांडे, उनको जो है वो डेथ के मतलब फांसी दे देगी. क्यों फांसी देगी उनको, बिकॉज उन्होंने अपने ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था, और वो ऑफिसर्स जो थे वो बैरकपुर के अंदर थे. कुछ दिनों बाद कुछ सिपाही जो थे रेजिमेंट के अंदर, मेरठ के रेजिमेंट के अंदर कुछ सिपाही जो थे उन्होंने मना कर दिया, वो आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे न्यू कैडेट्स को यूज़ करके. आर्मी ड्रिल वो बोलते करते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मतलब ग्राउंड में वो करते हैं, मतलब एक तरह से वॉक नहीं बोल सकते उसको, ड्रिल बोला जाता है, जो कि क्या किया जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट तो हो गया, मतलब एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, इसमें ना एक सोल्जर को जो है वो प्रिपेयर किया जाता था और उनको फेमलराइज किया जाता था उनके वेपन्स के साथ. ठीक है, उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पे. तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो आपके कुछ सोल्जर जो थे मेरिट के अंदर, जो रेजिमेंट के अंदर कुछ सोल्जर जो थे उन्होंने मना कर दिया कि वो आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे और वो न्यू कैटरेज जो भी थे कारतूस जो थे उनका यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वो जो कारतूस थे ना उनका जो माउथ था वो कोटेड था आपके काओ के फैट से और पिग के फैट से, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको वो मुँह से खोलना पड़ता था, तो इसलिए वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, दैट्स वाई उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया. 85 सिपाही जो थे ना उनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, और उनको 10 साल के लिए जेल में सजा दे दी, ताकि क्यों सजा दी गई, क्योंकि उन्होंने उन ऑफिसर्स के आज्ञा का पालन नहीं किया, ऑर्डर नहीं माना. और ये जो चीज़ थी ना ये 9 मई 1857 को हुई.
देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जो रिस्पॉन्स था अदर इंडियन सोल्जर्स का मेरिट के अंदर वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, वो भी बहुत अजीबो तरीके से था, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसी हरकतें उनको की जा रही थी ब्रिटिश आर्मी के थ्रू जो कि इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट थी, वो उनको नापसंद कर रहे थे, दैट्स वाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का यहाँ पर वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। 10 मई को सोल्जर जो थे उन्होंने क्या किया, मेरठ की जेल के अंदर वो चले गए और उन्होंने वहाँ पे जो सोल्जर्स जो थे, सिपाही जो थे, जिनको इंडियन सिपाही जो थे जिनको वहाँ पे बंदी बनाया हुआ था या पनिशमेंट दी हुई थी, उनको वहाँ से क्या कर दिया, रिहा कर दिया। उन्होंने उन बिल्डिंग्स पे वो जो सोल्जर जो थे, इंडियन सोल्जर जो थे जो मेरठ के अंदर गए, उन्होंने क्या किया, अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहाँ पर मार दिया, उनके गन्स जो थे उनको कैप्चर कर लिया और एम्यूशन वही हो गया आपके जैसे गोला बारूद हो गए या फिर आप बोल सकते हैं उसके बाद अस्त्र शस्त्र हो गए, ठीक है। उनको उन्होंने गन्स और एम्यूशंस उन्होंने ले लिया और उन्होंने क्या किया, फायर जो थी मतलब आग लगा दी किसकी, ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स पे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टीज़ और बिल्डिंग्स पे उन्होंने आग लगा दी और वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो फिरंगीज़ के साथ जो है वो वॉर करने आ रहे हैं, युद्ध करना उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि वॉर ऑन द फिरंगीज़, हमने जो है वो फिरंगीज़ के ऊपर जो है वो युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। जो सोल्जर जो थे डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, अब वो सोल्जर जो थे वो उनका रूल जो था वो उस कंट्री से ख़त्म करना चाहते थे, बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, जब वो उनका ब्रिटिशर्स का फिरंगीज़ का रूल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कंट्री के ऊपर रूल कौन करेगा। और सोल्जर्स का जो आंसर था वो ये था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर था वो था द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर माने जाते हैं। तो सिपाहीज जो थे मेरठ के वो क्या करने लगे, 10 मई की रात को वो चले मेरठ से और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो थे वो वहाँ पे दिल्ली में पहुँच गए सुबह सुबह। एज़ न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे ही उन सोल्जर्स की न्यूज़ जो थी वो दिल्ली के अंदर स्प्रेड हुई, जो रेजिमेंट स्टेशन थे दिल्ली के अंदर, जो रेजिमेंट स्टेशन दैट मीन्स जो बटालियन जो दिल्ली के अंदर थी वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल, वहाँ पे भी ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो मारे गए और आर्म्स एम्यूशंस वहाँ पे भी सीज कर लेगी और बिल्डिंग्स को आग लगा देगी। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स गैदर अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव डिमांडिंग टू मीट हिम। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स हो गए जो जीते हुए सिपाही थे, वो कहाँ रेड फोर्ट के वॉल्स के आगे पीछे जो थे वो इकट्ठे हो गए जहाँ पे बादशाह रहता था और वो उनसे डिमांड करने लगे वहाँ पे कि हम जो है वो बादशाह से मिलेंगे। और एम्परर जो था वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। क्या है, जो बहादुर शाह जफर थे ना वो ब्रिटिश पावर यानी कि बहुत ही उस समय पर ब्रिटिश पावर बहुत ज़्यादा पावर में थी, तो जो एम्परर थे ना वो नहीं, उनके चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको मना लिया। उन्होंने क्या बोला, दे फोर्स देयर वे इन टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज अ लीडर। वो फोर्सफुली उनके पैलेस के अंदर, महल के अंदर गए और उनको अपना लीडर जो था उन्होंने क्या कर दिया, घोषित कर दिया। यहाँ पे फिरंगीज़ की इन्होंने डेफिनेशन दी है, फॉरनर्स द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एल्टीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि ये फॉरनर्स के लिए ये वर्ड जो था वो यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्या था, एजिंग एम्परर, जो बहादुर शाह जफर थे ना उनकी एज लगभग 62 टू 65 के बीच में थी, बहुत ज़्यादा एज थे उस समय पे ये। तो जो एजिंग एम्परर थे ना उन्होंने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने लेटर्स लिखे चीफ और रूलर्स के, मतलब कंट्री के और रूलर्स और चीफ्स को उन्होंने लेटर लिखे ताकि वो उनका साथ दें, वहाँ आए और एक कॉन्फेडरेसी जो थी इंडियन स्टेट्स के आगे जो था वो मतलब ऑर्गेनाइज की गई, और साथ में क्यों ऑर्गेनाइज की, ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर सके, लड़ सकें। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन, ये जो एक सिंगल स्टेप जो बहादुर शाह जफर के द्वारा उठाया गया था, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन जो थे वो देखने को मिले। मुगल डायनेस्टी जो थी उन्होंने हैड रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में क्या किया, रूल किया। स्मॉलर रूलर्स एंड चीफटेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर, मुगल रूलर के बिहाफ पे छोटे छोटे जो रूलर्स थे और चीफटेंस थे उन्होंने क्या किया, कंट्री की डिफरेंट टेरिटरीज के ऊपर रूल किया। ब्रिटिश रूल का जो एक्सपेंशन बढ़ रहा था वो खतरे में आ चुका था, बहुत सारे ब्रिटिशर जो थे वो चले गए थे, मुगल एम्परर का रूल फिर से शुरू हो चुका था। दे वुड बी एबल टू रूल देयर ऑन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी, और वो फिर से मुगल अथॉरिटी के अंदर फिर से वो मुगल रूलर जो थे, छोटे छोटे मुगल रूलर जो थे उन्होंने अपना रूल जो था वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से मतलब कंडीशन जो थी बन जाएगी, और उन्होंने सोचा कि
ये जो कैटरीज थे वो उनकी जान ले लेंगे, बिकॉज उस कैटरीज के थ्रू ही जो है ये रिवॉल्ट जो था, या रेबिलियन बोल सकते हो, ये शुरू हुआ था और ये डिस्टरबेंस जो था वो क्रिएट हुआ था। लेकिन बहादुर शाह जफर जो था उन्होंने एक डिसीजन लिया टू ब्लेस द रेबिलियन, चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे उनका ये मानना था कि ये जो रेबिलियन है, इस तरीके से उनका जो ये पूरी सिचुएशन जो बनी हुई थी कि ब्रिटिशर्स उनके ऊपर रूल कर रहे थे या जो भी तरीका उनका था, तो इस चीज़ से वो क्या हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे। ऑफन वेन पीपल सी इन एन अल्टरनेट पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसिएस्ट, इट गिव्स देम द करेज होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। जब लोग इन सब चीज़ों को देख रहे थे ना, तो उनके अंदर जज्बा जो था वो मतलब आ रहा था, वो लोग जो थे एंथुसियास्टिक जो थे वो हो रहे थे, उत्साहित बोल सकते हो या बोल सकते हो, खुश हो रहे थे। इस चीज़ से ना उनको जो था वो करेज मिल रहा था, उनकी आशा जो थी और बढ़ी थी, और कॉन्फिडेंस लेवल जो था उनका बहुत ज़्यादा जो था वो हाई हो रहा था। जब ये सारी चीज़ें जो थी, वो पीपल जो थे, कॉमन पीपल जो थे, जब वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि बहादुर शाह जफर ने अब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, वो मतलब उनको मना लिया गया है सोल्जर्स के द्वारा, अब वो रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स डर रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो वो चीज़ें लोगों के अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा था। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, जो रह गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।